अरे बाप रे ग्रैनी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सारी की सारी ग्रैनी फेस तो बहुत ही खतरनाक और ईवल लग रही है। इनके तो नुकीले नुकीले दांत भी है। सारी की सारी ग्रैनी फेस सुन लो, लिटिल सिंघम के पास जाओ की कोसी बार लिटिल सिंघम सिंचान सबको खत्म कर दो। अगर बिना खत्म के पहुंची तो तुम सभी को मैं खत्म कर दूंगी। अरे यार आज तो बहुत मजा आया। अरे हाँ लिटिल सिंघम भैया, बहुत मजा आया। अरे 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 अबे भाई, ये क्या रास्तों के बीचों बीच? ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, धूल मिट्टी कितना उड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या? ये तो बहुत सारी ग्रैनी फेस है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा डरावनी लग रही है गाइस। ये क्या बोल रही है? अरे यार मुझे मत खाओ, मैं तो बहुत ही छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। अरे यार ये क्या बोल रही है ग्रैनी चुड़ैल? ग्रैनी फेस, मुंह बंद कर लो नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम हम सभी को खाओगी। अभी तुम लोगों को नानी याद दिलाता हूँ मैं। अरे हाँ, हमें क्यों खाने के लिए रास्ते में आई हूँ? मेरे लिटिल सिंघम भैया तुम सभी को पीट के मोर बना देंगे। अरे यार क्या करूं, इतनी सारी ग्रैनी फेस हमारे रास्तों के बीचों बीच, चली जाओ यहाँ से। हम सभी को यहाँ से जाने दो, हमारा रास्ता क्लियर करो। चारों ओर से हमें घेर क्यों लिया है? हमें घर जाना है, बहुत सारा काम है हमें, ठीक है ना? झाड़ू पोछा लगाना है, जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। अरे यार नहीं जाओगी तो मुंह नोच लूंगा। ये लो ये लो, आज तो पेट भरेंगे तुम सभी बच्चे को खाकर। अरे यार जल्दी जल्दी सबके सब बैठ जाओ, यहाँ पे रहना ठीक नहीं रहेगा। मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा। ओके, अरे यार सिबा बैठो। अरे हाँ लिटिल सिंघम भैया, बैठता हूँ मैं। अरे यार जल्दी बैठो ना, डरपोक बच्चे आए बड़े होशियार बनने के लिए। कोई फायदा नहीं, जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर हम लोग आएंगे और तुम सारे बच्चे लोगों को खा जाएंगे कच्चा चबाकर। अरे यार ये लोग तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती है। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। निकला निकला लेटर सिंघम भैया, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ भाई थक गया, सही हुआ वो लोग, उन लोगों ने हमारा पीछा भी छोड़ दिया। चलो यार सही है, चलो अब घर चलते हैं, अंदर चलते हैं। अरे यार लेटर सिंघम भैया मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है, चलो मैं घर के अंदर आ जाता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ बाहर, कीको भैया के साथ थोड़ा सा खेलूंगा। अरे गाइजर ये क्या, हमारे घर में तो बहुत सारी ग्रैनी ने अटैक कर दिया है गाइजर। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे यार कीको भैया कहाँ पे हो? अरे यार सिंचन बचाओ मुझे सिंचन। अरे यार ऊपर से आवाज आ रही है, देखना पड़ेगा आखिरकार कीको भैया कहाँ पे है। अरे दादा रे दादा, अरे यार ये क्या? अरे यार बचाओ मुझे सिंचन, ये ग्रैनी मुझे खा जाएगी, अपने मुंह में रखा है मुझे। बचा लो मुझे सिंचन, बचाओ, कोई तो बचाओ। कीको के बच्चे अब तुझे कच्चा निकल जाऊंगी मैं। अली अली बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो। अरे बाप रे, कितनी सारी ग्रैनी हमारे घर में अटैक किए है गाइजर, अब क्या होगा? अरे यार मुझे लगता है लेडी सिंघम भैया को बुलाना पड़ेगा। अली अली बुलाओ, जल्दी से बुलाओ सिंचन। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे यार दादा रे दादा, लेडी सिंघम भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, वो कीको भैया को ग्रैनी ने पकड़ लिया है। अरे क्या बोल रहे हो, सच में? अरे हाँ, मुंह में पूरा डाल लिया, उसको खाने ही वाली है ग्रैनी। अरे यार फिर तो मुझे मिसाइल बम लेकर आना पड़ेगा रूम से। ओ भाई मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा मिसाइल बम। के तो फाइनल गाइस मिसाइल बम जो है वो मिल चुका है। अब मैं जा रहा हूँ कीको को बचाने के लिए। कीको तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको बचा लूंगा। अली अली लिटिल सिंघम भैया बचाओ मुझे, बचाओ जल्दी से, बचाओ फटाफट से। ओ भाई कितनी सारी ग्रानी है गाइस, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी ग्रानी। और यार ये रहा कीको, पास भी मत आना लिटिल सिंघम, नहीं तो तेरे भाई को मैं कच्चा निकल जाऊंगी। अली अली लिटिल सिंघम भैया कुछ मत करो, कुछ मत करो, नहीं तो ये मुझे सच में खा जाएगी, मर जाऊंगा मैं।
और यार अब मैं कैसे तुमको बचाऊं यार, अगर इस ग्रैनी को मैं सूट करने के लिए ये ले मार डालूंगा तुझे। तेरे भाई को कच्चा निगलती हूं, रुक रुक। अरे यार मैं क्या करूं, कुछ समझ आ नहीं आ रहा है। ये अगर मैं इसको मारूंगा तो ये सच में कीको को खा जाएगी। गाइस उसके मुंह के अंदर है कीको, गाइस इस बड़े से राक्षसनी के मुंह के अंदर। ओ माय गॉड क्या करूं क्या करूं, इतनी सारी ग्रैनी को। अरे जा चली जा, वाई वाई वाई, इनको मार भी नहीं सकता गाइस क्योंकि कीको इनके कब्जे में है। बहुत ही बड़ी मुश्किल हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ग्रैनी के घर चला जाता हूँ। ये देखो, अरे यार बड़ी मुश्किल हो चुकी है। वो ग्रैनी जो है ना कीको को पकड़ लिया है, उसने बोला अगर मैं अटैक करूंगा उन लोगों के ऊपर तो वो ग्रैनी के फेस जो है कीको को खा जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं ना ग्रैनी के घर जाता हूँ और वहाँ पे सब कुछ पता लगा कर आता हूँ और कैसे इन सारे के सारे ग्रैनी फेस को गायब कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। और यार एक काम करता हूँ, मैं और शिवा जाता हूँ ठीक है ना ग्रैनी के घर में। बाकी के कलरफुल लेडी सिंगम तुम लोग उस कीको का ख्याल रखो और उन सारी की सारी ग्रैनी पे नजर रखो ठीक है ना। जल्दी से आ जाओ शिवा फटाफट से। ओ माय गॉड कितनी सारी ग्रैनी है। ओ भाई चलो फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। अरे आ जाओ शिवा, लेट मत करो ठीक है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से बैठो गाड़ी में, जल्दी से बैठो। अरे यार जल्दी से बैठो यार। अरे कैसे बैठो लेडी सिंगम भैया यार, चोट लग गई। अरे जल्दी बैठो शिवा यार, हमारे पास टाइम थोड़ी है, तुम लेट कर रहे हो। हाँ बैठ गया हूँ। ओके अब क्या करूँ, अब यहाँ से घुमाना पड़ेगा। अरे भाई 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 ये ग्रैनी फेस कहाँ जा रहा है लिटिल सिंगम, दड़ के मारे दड़ कर भाग रहा है लिटिल सिंगम, दड़ भोग कहीं का। अरे यार जाने दो जाने दो। ओ माई गॉड बड़ी मुश्किलों से बचाऊ गाइस। चलो अब फटाफट से जो है ग्रैनी के घर में चलते हैं। अरे यार शिवा पकड़ के रहो ठीक है ना। ओके सो गाइस पता नहीं है ग्रैनी को हम लोग मार भी पाएंगे या नहीं, और ये सारी की सारी ग्रैनी फेस को अटैक करने से रोक भी पाएंगे या नहीं, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं लेडी सिंगम भैया, चलो हम लोग कर लेंगे, चलो फटाफट से। ओके शिवा फटाफट से चलते हैं। अरे शिवा ये रहा ग्रैनी का घर, चलो यहाँ पे उतरते हैं फटाफट से। अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा सुपर पावर जो है फिर से मेरे पास आ गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अरे यार मुझे जो बाबा जी ने वो सुपर पावर दिया था बड़ा बिगेस्ट लिटिल सिंगम बनने का, लगता है वो सुपर पावर फिर से काम करने लगा है। गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर से मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ, बिगेस्ट लिटिल सिंगम। अरे यार अरे 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 वो देखो, पहले यहाँ पे देखता हूँ मैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके 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 चुपके से देखता हूँ गाइस। भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारी ग्रैनी है गाइस, कलरफुल ग्रैनी। और ये देखो ग्रैंडपा, और अब बाप रे अब तक तो सारी की सारी ग्रैनी फेस ने अटैक कर दिया होगा, लिटिल सिंगम को खा गई होगी अपने नुकीले नुकीले दांत पे, और कीको और शिवा सिंचन सबको। बिल्कुल सही बोल रहे हो ग्रैंडपा, क्योंकि वो सारी की सारी ग्रैनी फेस बहुत खतरनाक और खूंखार है, किसी को भी नहीं छोड़ती, खा जाती है कच्चा चबाकर सारे इंसानों को। यार ये लोग तो बात कर रहे हैं हमारे बारे में। अरे यार लेडी सिंगम भैया कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। और यार कुछ तो नहीं होगा, पर चलो मैं ट्राई करता हूँ अपना सुपर पावर एक्टिवेट करने का। चलो गाइस सुपर पावर एक्टिवेट करने का कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, अंतर मंतर जंतर मेरा सुपर पावर फिर से एक्टिव हो जाए। गिली गिली चू, बिगेस्ट लिटिल सिंगम बन जाऊं। गिली गिली चू, अरे ये क्या, मैं तो बिगेस्ट लिटिल सिंगम नहीं बन पा रहा हूँ शिवा। अरे यार लिटिल सिंगम भैया फिर से एक बार ट्राई करके देखो ना। ओके चलो अंतर मंतर जंतर मैं फिर से बन जाऊं बिगेस्ट लिटिल सिंगम। गिली गिली चू, अरे यार मेरा सुपर पावर तो काम ही नहीं कर रहा है यार अभी भी। पिछले दो दिनों से मैं बड़ा बिगेस्ट लिटिल सिंगम नहीं बन पाया हूँ, अब क्या होगा, कैसे मैं बचाऊंगा कीको को और सभी को। मैंने देख लिया वो लिटिल सिंगम और शिवा आया है, हमारी बातें चुप चुप के सुन रहा था। ला ला ला, अब तो तू मरेगा लिटिल सिंगम, तुझे कौन बचाएगा, तू तो गया बच्चू मजाएगा। और यार छोड़ दो ग्रैनी, ये क्या कर रही हो। आया बड़ा मुझे रोकने वाला, ये ले ये ले ये ले लेडी।
अरे यार ये ग्रैनी तो बहुत खतरनाक निकली। सिवा तुम यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। अब मैं और एक बार कोशिश करता हूँ, क्या पता मेरा सुपर पावर फिर से एक्टिव हो जाए। यार इसको तो मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं गाइस। चलो अंतर मंतर जंतर, प्लीज मेरा सुपर पावर फिर से एक्टिव हो जाए और मैं बहुत बड़ा बिगेस्ट लिटिल सिंगम बन जाऊं। गिली गिली छू। अरे गाइस ये क्या, देखो मैं बहुत बड़ा बन चुका हूं। अरे हां लिटिल सिंगम भैया। अरे यार शिवा आप देखना मैं इसका क्या करता हूँ, इस ग्रैनी की बच्ची का। और ग्रैनी को तो देखो गाइस कितनी छोटी है। ये क्या, ये लिटिल सिंगम इतना बड़ा कैसे बन गया, ये नहीं हो सकता, बहुत धोखा हो रहा है मेरे साथ। ये किस चीज का धोखा ग्रैनी, तुमने मुझे बेरहमी से पीटा और हमारी गाड़ी को भी जला दिया और तुमने शिवा को भी मारा और हमारे ऊपर अटैक करवाया इतनी सारी ग्रैनी फेस को भेज के। अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा, जब तक तुम नहीं मरोगी ना तब तक वो सारे के सारे ग्रैनी फेस हमारे घर से जाएंगे भी नहीं, गायब भी नहीं होंगे। अब देखो तुम ये लो, मर जाऊंगी ना, ये लो। ओ भाई तो देख सकते हो गाइस ग्रैनी डर के मारे भाग चुकी है। और यहाँ पे देखो ग्रैनी के बहन लोगों को गाइस, ये लोग सब के सब और ग्रैंडपा भी यहाँ पे है। ये लो कैसा आया, मजा आया कि नहीं, ओहो कैसा लगा इन लोगों को। सो गाइस ग्रैनी को भी मैंने मार धाड़ कर एकदम खत्म ही कर दिया, वो तो भाग गई डर के मारे। चलो शिवा हम लोग घर चलते हैं और देखते हैं वो सारी की सारी ग्रैनी फेस अपने मतलब भागी या नहीं हमारे घर से। चलो फटाफट से, और कीको हमारा सेव ये या नहीं देखते हैं जाकर। अरे आ जाओ शिवा जल्दी से आओ। अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक भी ग्रैनी फेस नहीं दिख रही है गाइस। ओ भाई छत के ऊपर भी एक भी नहीं है शिवा, देखा तुमने सारी की सारी ग्रैनी फेस भाग चुकी है। चलो मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ गाइस सबके सब सेव है या नहीं, या ग्रैनी फेस ने खा तो नहीं लिया उन सभी को। चलो 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 चलो। अरे ये देखो सबके सब ठीक है। अरे कीको तुम ठीक हो ना। अरे हाँ लिटिल सिंगम भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। वो सारी की सारी ग्रैनी फेस ना अपने आप गायब हो गई पता नहीं कैसे, तो और मैं बच गया। ओ भाई साहब तो देख सकते हो कीको भी सेफ है और शिनचैन और बाकी के बाकी मेरे कलरफुल लिटिल सिंगम भाई लोग भी सही है गाइस। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को गाइस लाइक कर दो फटाफट से।